हमारे साथ बातचीत के लिए उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी मौजूद हैं। सर, कल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात हुई है, बैठक भी हुई है आयुष्मान भारत कार्ड को लेकर। किस तरह से योजना है उत्तराखंड में इसे तेजी से सबका बनाने को? कल देश के स्वास्थ्य मंत्री जी ने आयुष्मान भारत, जो कि 5 लाख रुपए तक का इलाज सबका फ्री किया जाता है, उसकी एक समीक्षा बैठक की है। और उत्तराखंड राज्य में अभी तक लगभग 50 लाख लोगों के कार्ड बन चुके हैं, 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों का निःशुल्क इलाज हो चुका है। और उन चुनिंदा राज्यों में उत्तराखंड एक राज्य है जहाँ के सर्वाधिक अच्छा काम आयुष्मान भारत में हो रहा है। और अभी तक हमारे राज्य में 120 से ज़्यादा निजी हॉस्पिटल इस योजना में जो है काम कर रहे हैं, सभी सरकारी हॉस्पिटल कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ कि गरीब आदमी का बहुत इसमें भला हो रहा है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि सर्वाधिक हमारे राज्य में अभी तक आयुष्मान भारत में लोग ठीक हुए हैं। गरीब लोगों की बहुत अच्छी योजना है, हर गरीब का इलाज फ्री हो रहा है। और लोग कह रहे हैं कि इस योजना में सरकारी हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल सभी इस योजना के तहत हमने रजिस्ट्रेशन उनका किया है। और कहीं भी हॉस्पिटल में एक हफ्ते में हमारी सरकार पेमेंट करती है, तो गरीब लोगों के लिए अच्छी योजना है। जिनका अब तक नहीं बना है आयुष्मान भारत कार्ड, उनको लेकर सरकार की क्या तैयारी? देखिए, हर व्यक्ति आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए हमने शुरुआत की है। और आयुष्मान आपके द्वार ये बड़ा अभियान हम लोग चलाया है। और मैं कह सकता हूँ कि 2 महीने में हमारे राज्य में लगभग सभी लोगों के कार्ड बनने की प्रक्रिया और तेजी से शुरू हो जाएगी और जल्दी सबके कार्ड बन जाएंगे। इससे हटकर एक सवाल है कि कांग्रेस पार्टी UK 80 का मामला हो या विधानसभा में घोटाले का मामला हो, लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है और CBI जांच की भी मांग कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? अब देखिए, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे लोग कितने कितने घोटालों में लिप्त हैं आप सबको पता है। लेकिन हमारे राज्य में तो जो अधीनस्थ चयन आयोग में जो घपला हुआ था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन से जांच बिठाई है। लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। और हमें कह सकते हैं कि जांच में जो भी निष्पक्ष जांच होगी, उसमें जो भी आएगा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको लगता है, आखिरी सवाल है कि आपको लगता है जो नियुक्तियां विधानसभा में हुई है उन्हें रद्द करने की जरूरत है या पूरी तरह? जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हम एक जांच कराएंगे तो जांच के बाद। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है विधानसभा में जो भी नियुक्तियां हैं पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद जो भी निकल कर सामने आएगा उस पर देखा जाएगा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।